हे देयर, हाउ आर यू ऑल? 10th क्लास सीबीएसई स्टूडेंट, टुडे आई एम हियर विद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रीवियस 5 ईयर में जो पूछे गए थे वो कर लिए कि नहीं? उसके बाद ग्रामर के 10 मार्क्स के जो आपके आने हैं पिछले 5 सालों के, सॉल्व करके दिखाए हैं, कर लिए कि नहीं? कॉपी में करने हैं आपने तो 10 और 18 28, और आज लेकर आया हूँ 12 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आ सकते हैं, और उनको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो 6 मार्क्स का है, 3 मार्क्स कॉन्टेंट के रहने वाले हैं, 3 मार्क्स आपका एक्सप्रेशन रहेगा कि कैसे आपने, है ना, स्ट्रक्चर किया है, कोहरेंस कोहेजन को यूज़ करना है, बिगनिंग है आपकी कैसे की है, मिडल में जाए गए हैं, और फिर एंड कैसे किया है। कंटेंट के 3 नंबरों में देखें तो सस्टेन्ड है आपका आइडिया जो है, कितना अच्छे से आपने क्लियर और वेल डेवलप किया है उसको, और एक्यूरेसी का आपने ध्यान रखना है, 1 नंबर इसी चीज़ का है, आपकी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। कौन सी एरर करते हैं आप? पंक्चुएशन में, ग्रामर में, ठीक है, और स्पेल, अगर 2 से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या 2 से ज़्यादा एरर होगी, चाहे पंक्चुएशन की है, चाहे ग्रामर की है, स्पेल की है, तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ध्यान रखना है इन बातों का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो यहां पर देखिए आप कैसे 2 क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा फर्स्ट फ्लाइट का होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इधर ऑफ द टू आपने करना है 100 to 120 में जवाब देना होगा। सिमिलरली 11वां क्वेश्चन आप देख पाए स्क्रीन पर, फुटविन विदाउट फीट के 2 क्वेश्चन करने होंगे, करेक्टर्स कैच सभी के डाल दिए गए हैं, करेक्टर्स कैच सभी के डाल दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, लिंक दबाओ, और 1 क्वेश्चन करेक्टर्स कैच पर पक्का आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू कि क्या आइडियाज आपको आने चाहिए आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में जरूर भेजना। कमेंट नहीं करते हो, कमेंट भी किया करो कि सर समझ में आ गया, 18 वो 12 ये 30 और 10 की ग्रामर 40। उसके बाद भी आपको और भी लेकर आ रहे हैं, लेटर 5 नंबर का डाल दिया है आपके लिए 45, 5 का डिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, 50, ठीक है, इस तरह से आपका एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं वो भी लेकर आ रहा हूँ 10 नंबर के, 60 और 20 की रीडिंग 80, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, वन इज नाउन बाय इट्स रूट्स, बिल्कुल आप और हम भी, तो द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑल्सो रिकोगनाइज बाई देयर वैल्यूज एंड ट्रेड्स, ये अच्छे लड़ाके हैं वो, किनका डिसेंट माना जाता है वो, ग्रीक और अरेबियन का, इस तरह से ध्यान आ जाना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से उनका ब्लड, उनकी कल्चर में वो आज भी अपेरेंट है, मार्शल कॉम है वो, ठीक है ना। तो जैसा कि था, कुर्ग रेजिमेंट है, मोस्ट डेकोरेटेड है, तो ये सब आइडिया जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ो तो एक रफ में लिख लो कि मैं इन्हीं को जो है 100 से 200 शब्दों में चेंज करने वाला हूँ, ठीक है ना। हालांकि वो हज़ारों मील अवे हैं, बट यहाँ पर जो है उनका ओरिजिन है, यहाँ पर है ना, अपने ओरिजिन से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, बट ग्रीस एंड अरेबिया दे आर वर्चुअली रिकॉग्नाइज फॉर देयर, है ना, वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसका आंसर देना है, मैं आ रहा हूँ आपको लिख कर दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। और उनकी ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी की आपने बात करनी है, ब्रेव हैं, फियर्स हैं, डेयर डेविल्स हैं, ये सब जो एडजेक्टिव आप उनके बारे में जान पाएं। यदि पहला नहीं आता है तो दूसरा पढ़ के देख लेना, ये आपने देखना है कि मैं कैसे, मेरे पास कॉन्टेंट कितना है, मैं कैसे उसे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, कोहेजन में रहते हुए एक्सप्रेस करने वाली हूँ विदाउट एनी, है ना, एक्यूरेसी एरर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इन बातों का ध्यान रखना है, एरर डेंसिटी बिल्कुल अगर हाई हुई तो नंबर काट लिए जाएंगे आपके, 1-2 को नहीं देखा जाएगा, लेकिन मोर देन 2 कैन, ठीक है ना, इज वेरी सम। इफ द बुद्धा वर टू समराइज द लाइफ लेसन्स ऑफ द बाल पॉइम, अब देखो बुद्धा ने प्रवचन दिया है ना लाइफ और डेथ के बारे में, लेकिन यही प्रवचन, अब देखो वो क्या करता है, एग्जामिनर की 2 लेसन को जोड़ देता है कि किसी का लॉस था वहाँ, डेथ का था, यहाँ किसी चीज को गुम जाने का है। यहाँ पर अगर बुद्धा को कहा जाए कि सर द बाल पॉइम को पढ़िए आप और बताइए हमें, इसमें प्रवचन दीजिए, तो उसके बारे में क्या प्रवचन होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि अगर हम उसे कहें कि नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है ना, इस तरह से विचार जो है आपके मन में भी आने चाहिए जिसे आपने डेवलप करना है। कोई जो आपका है ना सीज है, लव्ड वन कोई थिंग है, बिना नोटिस के आपके चली जाएगी, तो आपको जो है इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि ये फिर आपको क्या देगा, पेन देगा, ठीक है, क्योंकि उसे मालूम है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना, और जो आया है उसने जाना ही जाना है, चीज़ है तो टूटेगी भी, चोरी भी हो जाएगी, है ना, तो गुम भी हो जाएगी, तो आपको बियर को लॉस करना जो है आना चाहिए, ठीक है ना, इसको हैबिट बनाना है, एंजॉइंग थिंग्स, ठीक है, और ये मालूम है कि जो आज है वो कल नहीं होंगे हमारे साथ, इस तरह चीज़ें भी हैं, इसी तरह बंदे भी हैं, फिर ये समा
कल हो ना हो, कहते हैं ना, इसे यही बात थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने, मैं आपको आने वाला हूँ आंसर प्रॉपर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट फ्लाइट का था, आगे हम बात कर लेते हैं इसी वीडियो में कि आपका फुटप्रिंट और फीट का अलग से ले जाने की बजाय एक ही वीडियो में कवर हो सकता है, तो इसी में कवर करने वाले हैं। तो अपनी नोट टू एक्सेप्ट द लिमिटेशन ऑफ आवर लाइफ, द नेकलेस बाय विजय कुमार डालिए, ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया बाय विजय कुमार डालिए, बिल्कुल आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप, डिस्क्राइब मेटिल्डा की सफर इन हर लाइफ बिकॉज शी डज नॉट एक्सेप्ट That she is not a rich person. बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारी दुखों का कारण ही यही है कि हम जो हैं वो मानते नहीं हैं, हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। डोंट थिंक, है ना, लुक एट द अदर्स, अपने से ऊंचा देखकर नहीं। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्सेप्ट करो। ठीक है, सो नेवर बी अनहैप्पी, यार मेरे पास ये नहीं है, तो ये से तो सफर ही करेंगे आप, जैसे सफर किया मटिल्डा ने। वो थी पुअर फैमिली से, बट उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, शी ड्रीम्ड ऑफ, है ना, डेलिकेसी ऑफ रिच पीपल। क्यों भाई, पहले कुछ ऐसे एफर्ट करो, पढ़ो लिखो कुछ बनो, और फिर ये सब है। ठीक है ना, कॉन्शियस रहो कि क्या आपकी कैपेसिटी है, क्या आपकी रियलिटी है, क्या आपकी वीकनेस है, उसके ऊपर काम करो, कंडीशन कैसी है आपकी, वरना जो ये लालच है, ग्रीड है, इसकी वजह से तो जो सफ़र आप होंगे ही होंगे। ठीक है, तो नॉट एक्सेप्टिंग लिमिटेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज। तो इस तरह सा कुछ ऐसा मैं आ रहा हूँ आपको बताने कि कैसा मॉडल आंसर होगा, और करेक्टर स्केच मैंने कहा जरूर कर लेना, तो फॉलर का भी आ सकता है। ठीक है, तो फॉलर को आपने क्या जाना, फॉलर जो थे एक रोमांटिक राइटर आपने पाया कहानी में, है ना, जो कि वो मिलना चाहते थे, फैंटसी थी उन्हें कि मैं एक दिन मिलूँ, सीक्रेट एजेंट की लाइफ को देखूँ, तो वो डल लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। ठीक है ना, लेकिन दिल से वो क्या थे, टिमिड थे, है ना, तो वो जो थे अपना कूल खो देते थे, नर्वस हो जाते थे ऐसी सिचुएशन देख के, जैसा कि मैक्स जब उसने कमरे में पाया, ठीक है ना, तो वो थ्रिल्ड थे बड़े, हालांकि वो नॉर्मल था जो ऑसेबल था। ठीक है, तो इस तरह से आपने एलेबोरेट करना है कि कैसा पाया हमने फॉलर को। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिचुएशन कोई ऐसी आ जाए, ऑकवर्ड सी रिस्की सिचुएशन, उसको टैकल कैसे करेंगे कामली। तो ये एग्जाम्पल जो सारे हमने फॉलर के कैरेक्टर स्केच को डिस्क्राइब करने में देने हैं। हाउ यू फाइंड दैट पर्सन, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे एक्सपर्ट के क्या विचार हैं, क्या आंसर जो है इन क्वेश्चंस के होने चाहिए, उन्हें बनाए गए हैं, तो ये मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लाया हूं, इनको कॉपी में लिख लेना है, याद कर लेना है। पहले सीखना है क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई स्पेल एरर है, ठीक है, और कैसे आइडिया एक डेवलप हुआ, ठीक है, बनाया, शुरू किया, बिगनिंग हुई, मिडल हुआ, और फिर अंत हुआ, ये सारी बातें कोहेजन में है कि नहीं है। तो ये पहले का आंसर देखिए, वन इज़ नाउन बाय इट्स रूट्स, तो कैसे ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, हाँ बिल्कुल, तो फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल कुर्ग हैं, पॉसिबली वे हैं ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन के, ठीक है ना, हालांकि हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन कल्चर में ट्रेड्स उनके अपेरेंट हैं। इस तरह से कैसे अपेरेंट हैं कि भैया मोस्ट डेकोरेटेड है, पहले जो थे हमारे फील्ड मार्शल ही कुर्गी थे, आज भी लाइसेंस रखने के लिए उनको परमिशन की जरूरत नहीं है, तो ये सब आप लिख सकते हैं इसके अंदर एलेबोरेट करते हुए। ठीक है, उसके बाद जो आपका बी में, अगर आपको ए नहीं आ रहा है, आप बी में जाना चाहते हैं, तो बी के लिए भी आप जा सकते हैं। बी में हमारा पूछा गया है कि बुद्धा अगर बोल पाइम के बारे में, कोई चीज के बारे में, वहां जिंदगी का लॉस था या किसी चीज का लॉस है, तो वो कैसे कहेगा, तो ये जो मैंने आपको समझाया कि ना अटैचमेंट गिव्स पेन एंड, है ना, ऑन सेपरेशन नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, जो चीज हमारे प्यारी है वो डेथ भी हो सकती है, लेकिन यहां पर वो बॉल बॉल थी, तो वो टूट भी सकती है, वो गुम भी हो सकती है, जैसा कि यहां पर हुआ। ठीक है, तो न्यू टॉयज इन लाइफ और भी मिल जाएंगे, तो हैबिट ऑफ एंजॉयिंग द थिंग्स आपको होनी चाहिए। ठीक है, एंड रिलेशंस एज इट दे माइट नॉट स्टे टुमारो, कल ना हो तो आज ही कर लो भाई। तो उसके बाद 11वां अगर हम देखें, आपका आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट का ऐसे टाइप क्वेश्चन, लिमिटेशन वाला जो है, इस तरह से आपने करना है मटिल्डा लोइजल के बारे में, वो तभी सफ़र करती है क्योंकि उसको वाकई ये नहीं पता होता हाउ टू, है ना, और उसके बाद फॉलर कैरेक्टर स्केच पूछा गया है, तो इस तरह से जो ट्रेड्स आपने देखे फॉलर के, क्या पाया आपने फॉलर को, ये यही पूछा जाता है कि कैसे आप एक, है ना, सिचुएशन को, एक प्लॉट को, यहाँ पर एक कैरेक्टर पूछ लिया गया तो कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं उसके बारे में, उसकी एडजेक्टिव लगाओ उसके ऊपर, कितने एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं, और जहाँ जहाँ लेसन में आए करेक्टर स्केच जरूर करना, एक जरूर आएगा। होप कि आपको क्लियर हो गया कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आपने सोल्व करना है। कभी क्वेश्चन है तो कोई कमेंट सेक्शन में डाल दो, जरूर रिप्लाई किया जाएगा, और किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं हमें ये भी जरूर बताना, बना दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। दसवीं के हर टॉपिक पर वीडियो बना दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, बैठो आराम से देखो, आज पहला दिन है विंटर ब्रेक का। ठीक है,
तो बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं कमेंट कर दो। नाइस सर, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।